मैं हूं अनूप पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के ग्वालियर व्यापार मेले के प्रांगण में। जी हां, आप देख सकते हैं यह प्रांगण इस वक्त सुनसान में तब्दील है। कहीं जानने की कोशिश करेंगे ग्वालियर व्यापार मेले में इस वक्त जो व्यापारी यहां पर मौजूद हैं, क्या वह अभी भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, जबकि प्रशासन का रुख जो है वह सख्त है, यानी कि 2022 के मेले पे अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा। हम समझते हैं और जानते हैं और आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह झूला सेक्टर है जहां पर मैं मौजूद हूं, और आप देख सकते हो झूला सेक्टर अभी वीरान है। जहां पर जब ग्वालियर व्यापार मेला लगता है तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ और रस रहती है मेला सैलानियों की, वो इसी सेक्टर में रहती है। लेकिन इस वक्त जबकि आज जनवरी माह शुरू हो चुका है, यह झूला सेक्टर वीराने में तब्दील है। कहीं ना कहीं ग्वालियर व्यापार मेला 2022 लगेगा या नहीं लगेगा, ये अटकलों में फंसा हुआ है, क्योंकि स्पष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी स्पष्ट नहीं है और व्यापारी भी एक शंका में है कि वह इस मेले को कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं झूला सेक्टर का मुआयना करने आया हूं और आँखों देखी मैं जो देख पा रहा हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ में हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा ये जब रेल दौड़ती हैं, ये रेल चलती हैं, ये झूले सेक्टर, तो रौनक इनसे ही होती है। कहीं ना कहीं खान पान करने के बाद व्यक्ति सबसे पहले झूला सेक्टर पहुँचता है। झूला सेक्टर में पहुँचने के बाद वह अपने पसंद की राइड लेना चाहता है और ये राइडें सन्नाटे को चीर रही हैं। एक सन्नाटा मचा हुआ है चारों तरफ, आप देख सकते हो। और कहीं ना कहीं मौसम की बात करूं तो मौसम भी इस बार आप देख सकते हो बादल छाए हुए हैं, और इस मौसम में यदि इस प्रकार का राइड का लुत्फ उठाया जाए तो बात ही क्या। लेकिन फिलहाल झूला सेक्टर वीरान है और मेला सैलानियों का इंतजार कर रहा है, लेकिन मेला लगेगा या नहीं लगेगा यह तो आने वाला समय बताए। जी हाँ, व्यापार मेले के लिए कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह व्यापार मेला लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी हैं जो कि दूर दूर से आए हुए हैं, एक आस लगाए हुए बैठे हैं, एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। चलिएगा कुछ हम व्यापारियों से बात करते हैं जो कि अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं और उनका पक्ष जानते हैं कि आखिरकार उनको क्या आश्वासन दिया गया था, जिस आश्वासन से उन्होंने अपना ये सब सेटअप लगाया, ये सब अपनी दुकानें लगाईं। चलिएगा कुछ व्यापारियों से हम बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं एक व्यापारी जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ से आए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। रोहित जैन। रोहित जी, आपको क्या बोला गया था प्रशासन की तरफ से, जिस आधार पर आपने ये अपना पूरा सेटअप दुकान लगाई है? भाई साहब, ग्वालियर शहर में जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने 25 दिसंबर से मेले के शुभारंभ का आश्वासन दिया था जी। हम बड़े दुकानदार हैं, हमें सेटअप अपना तैयार करने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। उन्होंने 25 दिसंबर का आश्वासन दे रखा था, तो हमने 16 तारीख को यहाँ दुकान ले आए थे माल अपना। अब उसके बाद हमने 25-26 तारीख तक ही सेटअप तैयार करा है। अब 15 आदमी हमारे साथ स्टाफ के भी हैं, 14-15 आदमी स्टाफ के भी लेके आते हैं। भाई, इतना बड़ा सेटअप कोई अपना आप तो तैयार कर नहीं पाते। अब प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जब से हमारा बराबर नुकसान हो रहा है। अब हम सेटअप तैयार कर चुके हैं, अब कह रहे हैं जी दुकान उखाड़ो। उखाड़ के तो ले जाएंगे भाई, ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो उनकी वजह से नुकसान हुआ है वो तो क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपको नुकसान हुआ उसकी भरपाई के प्रशासन से आप चाहेंगे? देखो जी, उम्मीद तो हर आदमी करता है, उम्मीद हर आदमी सोचता है कि भाई हमारा जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ हमें सहयोग मिले। अगर प्रशासन की तरफ से सहयोग मिलता तो बहुत आभार रहेगा प्रशासन का। यदि आपकी बात को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि आपको 2 दिन में यह जगह खाली करना पड़ेगी, तो फिर क्या विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, या जो ग्वालियर व्यापार संघ है जो बनाया गया हुआ है आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उसका साथ लेंगे? उनका साथ तो सब हमारे साथ बराबर है, और उनका साथ लेना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप 2 दिन में नहीं उखड़ता। जिस सेटअप को लगाने में 8 दिन लगते हैं, उसे उतारने में भी 5 से 6 दिन लगते हैं। इतना बड़ा सेटअप कोई 2 दिन में, ये ऐसा नहीं है कि सेटअप में इसे उतारने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। और मैंने अपनी उतारने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं उतार रहे। कोई अधिकारी आपके पास में आए थे जिन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा ये हटा लीजिएगा, ऐसे उम्मीद नहीं है कि मेला लगने वाला? नहीं, अभी तक अधिकारी कोई नहीं आया। बाकी जो है अखबार के जरिए, आप लोगों के जरिए जो हमें खबर मिलती है वो मिलती है, बाकी अभी तक हमारे पास ऐसा कोई
तो दर्शकों, ये थे उत्तर प्रदेश से आए हुए एक व्यापारी हैं जिन्होंने एक अभी भी इनको ऐसा उम्मीद है कि शायद ग्वालियर व्यापार मेला लगेगा, लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा कि व्यापार मेला लगता है नहीं लगता है। लेकिन यदि फरमान जारी करता है प्रशासन तो इनका कहना है कि हम सहजता से स्वीकार करेंगे और शासन का जो आदेश है वो मानेंगे। चलिए कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं। पर कुछ व्यापारी बहुत सारी उम्मीदें लगाकर अपनी दुकान को प्रतिष्ठान को लोगों ने लगाया हुआ था, और इनसे जो मैंने प्रवक्ता से बात किया है तो बताया जा रहा है कि इनकी लागत भी अभी तक नहीं निकली है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ग्वालियर व्यापार मेले में फिर से रौनक आएगी 2022 की। चलिए हम बात करते हैं इटावा से अपने एक व्यापारी आए हुए हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। अंजलि पापड़ खैला भंडार से। हम ये चाहते हैं मेला लगे, और मान लिया हमको 1.5 महीना हो गया, यहाँ पर खर्चा भी निकल रहा है, यहाँ लगाए हुए बोल रहे खाड़ो, तो हम सोच रहे जब भी चालू करें फरवरी में करें तो बने रहें भाई, जे यहाँ रुके रहेंगे। फिर 20,000 इधर से भाड़ा दिया, 20 उधर से, दो 1.5 लाख का इधर हो ही गया नुकसान। अभी क्या माने कि यहाँ पे ग्वालियर मेले में आपने जो दुकान लगाई थी इससे आपकी लागत निकली या नहीं निकली? नहीं, अभी नहीं निकली, अभी तो 1.5 लाख का नुकसान हो गया पक्का पूरा। जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए आप चाहेंगे प्रशासन से कोई उम्मीद हो? अब उम्मीद क्या है, प्रशासन जो समझे सो करेगा भाई। यदि मेला निरस्त किया जाता है? निरस्त किया जाता तो नुकसान है ही, 5 साल की 3 लाख का नुकसान हो गया था। मेला मान लो 20 दिन चलाया, ख़त्म कर दिया। अभी उम्मीद है? उम्मीद बोल रहे हैं, उम्मीद तो उम्मीद है, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, यानी क्लियर नहीं है मेला कोई लगेगा कि नहीं लगेगा। फरवरी में भी दे सकते हैं, मार्च में भी दे सकते हैं। कब तक रुके रहेंगे? आज लगभग आपकी 5 तारीख है, कब तक रुके रहेंगे? अब देखते हैं, और हफ्ता खाड़ा और देखते हैं, सोचेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पड़े रहने से कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ खर्चा बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं। तो दर्शकों, हमने एक पक्ष और जाना एक व्यापारी का, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि इन्हें उम्मीद है, लेकिन यदि नहीं होती है व्यापार मेला नहीं लगता है तो ये वो अपने वापस चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल इनको कहीं ना कहीं घाटे का सौदा इनको हो रहा है। दर्शकों, हमने कुछ व्यापारियों से बात की और उनका पक्ष जाना। कई व्यापारियों का कहना है उन्हें उम्मीद है कि अभी भी मेला लगेगा, लेकिन कई लोग कह रहे हैं अपने नुकसान को भी बता रहे हैं कि हमें बहुत घाटा हुआ है, और कहीं ना कहीं देख सकते हैं इस वक्त इक्का दुक्का ही लोग आ रहे हैं जो फुर्सत में हैं, जो कि वैसे भी देखा जाता है आज वर्किंग टाइम है, कहीं ना कहीं ऑफिस में लोग जाते हैं। लेकिन कुछ व्यापारियों से मैंने बात की है तो उनका कहना है कि मंगलवार और रविवार को अच्छी खासी भीड़ हो रही है, लेकिन जैसा रौनक इस समय जनवरी में मेले में हो आना चाहिए थे, लेकिन वैसी रौनक अभी देखने को नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट की है मेले को लेकर। अब देखना होगा, आने वाला समय ही बताएगा कि मेला लगेगा या नहीं लगेगा। लाइव के लिए अनूप पांडे के साथ सहयोगी आशीष पांडे की एक रिपोर्ट।